हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एंड द क्वेश्चन इज, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस रुपीज 7,000? तो हमें नहीं पता है, तो लेट अस फॉर्म द एपी। एक फिक्स अमाउंट हर साल इंक्रीज हो रहा है। इन द ईयर 1995 उसका एनुअल सैलरी कितनी है? 5,000। और 200 रुपीज हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 96 में उसकी एनुअल सैलरी कितनी होगी? 5,200। देन अगेन एड 200 टू इट, तो 5,400 हो गए 97 में, एंड सो ऑन। कहते बताओ कौन से साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000? यानी ये कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं लेट ए एन एथ टर्म इज 7,000 रुपीज। सो व्हाट इज ए हियर? इस एपी में ए हमें मिल गया और द फर्स्ट टर्म इज 5,000। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस है ए टू माइनस ए वन, सो इट इज इक्वल्स टू रुपीज 200। हर साल उसके बढ़ रहे हैं। नाउ ए एन एथ टर्म दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 7,000 गिवन टू यू। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5,000 है, प्लस एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 7,000। सो एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000। सो एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2,000। 7 minus 5, that is 2000. So, what we get n minus 1, that is 2000 upon multiply हो रहा है, यहां का divide हो जाएगा, so it goes on 10. So, what is n? That is 10 plus 1 or 11. So, in the 11th year, तो हमारे पास n की value क्या आई? Therefore, we get n is equals to 11. So, in the 11th year, his salary become 7,000. अब वो कौन सा साल होगा इन्होंने पूछा है, तो हमें नहीं पता। अब हमारे पास अगर एक और एपी है, अगर हम उसे ईयर में लेते हैं, तो 1995 में 5,000 सैलरी है, 1996 में 5,200 है, 97 लाइक दैट। तो हमें नहीं पता कि कौन से साल में ये सैलरी इतनी होगी, लेकिन हमें एन मिल गया है, एन इज 11, सो इसे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ए एन एथ टर्म यानी वो कौन सा साल होगा, दैट इज ए प्लस एन आया 11 माइनस 1, और हम हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो डी हो गया 1। सो इट इज इक्वल टू 1995 प्लस 11 माइनस 1, दैट इज 10। 1995 प्लस 10, दैट इज इन द ईयर 2005। सो हिज एनुअल सैलरी बिकम 7,000। थैंक यू।